सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तें, तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। पीटीआई के बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी हो गई। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासब से फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक 80 आजाद अराकीन में से 39 पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 41 अराकीन 15 दिन में वाजे करें कि किस जमात से इलेक्शन लड़ा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का इंदिहार। राणा सनाउला ने कहा कि फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। लाहौर में बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। शेखोपुरा में छतें गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जान बहा, खातून समेत 9 अफराद जख्मी। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 20 रन से हरा दिया। पाकिस्तान चैंपियंस की जानब से जीत के लिए 199 रन का हदफ। वेस्ट इंडीज की टीम 178 रन बना सकी। यूनिस खान 65 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी।